Hello. Hello. Hi, myself, Dr. Mushoor Gulati. You, आज भी मैं करने दूँगा। यार मैं जानबूझ के हर बार जाता हूँ कि तुम गिराते हो तो मेरा बेनिफिट हो जाता है। आज तुमने डेढ़ शाने हेलो। You're a trendsetter. Look at you. I love your tomatoes. बहुत अच्छा। I'm Dr. Mushoor Gulati, HNY. HNY क्या मतलब? पहला HNY Happy New Year, दूसरा HNY Himesh and Yulia. इतना नहीं पता अभी कोई आदमी विश कर रहा है. इतना ही नहीं पता तो 8 दिन हो गए नए साल चढ़े को. अब आपके विश कर रहे हैं आप. तो लगवा देते ना मेरा वीजा में रोमानिया जाके विश करके आ जाता. Yulia, I must say you have a power of 5. Actually figure out why I'm upset. Yes. Because मैंने आपको letter लिखा था. You wrote down a letter. I had written a letter to you. Oh. You can see the letter this I had written to you. Oh. You have not replied to me. ये आपने लिखा है. हाँ जी. तो उनके पास होना चाहिए ना. आपके पास क्यों है? तो फिर मैंने लिखा तो मेरे पास ही होगा ना. तुम्हारे पास थोड़ी होगा. पागल है? मैं पागल वाली क्या बात है? इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है महेश जी इस आदमी को. एंड 2017 के स्टुपिड पर्सन ये आप ये कह लीजिए. स्टुपिड नवा साल हो गए. डजंट नो द सेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ. अच्छा कोई नहीं, इतनी इंग्लिश ना बोलो. कल भी बोलनी है. क्या हुआ? मैंने ये लेटर लिखा. हाँ. मैंने इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. ओके. अच्छा मेरे को नहीं पता था रोमानिया कहीं बाहर है. मेरे को लगा गुजरात में है भुज के पास. तो वापस ले आए मैंने मेरे पास लेटर. ओ डॉक्टर साहब आप बड़े क्यूट. मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से. हाँ जी. मैंने आज से आपके साथ लड़ना नहीं है. मैंने सीधे मुक्के मारने आपको. ओके. दिस लेटर आई हैड रिटन टू यू वी सुंट माय मिटस निरसाव फाटानु पोआटे जानिशा युबे आशका. आह ओके. या मेक्स सेंस. व्हाट इज दिस? I have no idea. Nanana, I have noticed one thing, but internet pe trust kar hi nahi sakte na aap. Because it doesn't make any sense. Why do you do that? No. Kada kai ji. You have many letters there? No, this is my album. Oh, your album. My wedding, lucky you, this is my wedding album. So why you're writing now to me, if you're married? Why? I'm throwing your tomato. No, this album is not seen by my wife at all. And nobody have seen his wife at all. He take a dupatta, he look himself in the mirror and he feels he is his wife. Okay. So you looked into the mirror and said, will you marry me? वैसे डॉक्टर साहब शेरवानी आपने बहुत अच्छी पहनी है. ओह थैंक यू सो मच. कहाँ से बनवाई आपने? बनवाई नहीं, वो एक्चुअली मैं जी क्या था कि दिलेर मेहंदी साहब का शो था, वो कर नहीं पा रहे थे. मैं शो करने चला गया और वहाँ पे हालांकि मैं बैक करके गा रहा था, फिर भी लोगों ने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ. दैट इज व्हाट इज हैपेंड. आपने वहाँ गाना गाया? नहीं, मैं दिलेर मेहंदी बन के वहाँ तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा था लोगों का. वेलकम टू कपिल शर्मा शो. और मेरे कोई दोस्त हंसते रहो मुस्कुराते रहो लवा. ये क्या मतलब हुआ यार? गाना ही गाया. ऑफ कोर्स गाना गाया. ठीक है ना, हमारे पास नई टैलेंट है साड़ियां पहन के पैसे कमाने का. अब बोलो हैं, सुबह डॉक्टर शाम को साड़ी. अच्छा बताओ सही, फिर हुआ क्या? अच्छा हुआ ये कि मैं वो प्रोग्राम कर, आई डोंट नो कैसे उन्होंने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी हूँ. एक्चुअली आपने मेहनत तो बड़ी की, हाथों में मेहंदी भी लगाई आपने ना. उधर दिलेर भी पूरे हैं, बेइज्जती करवाने आते भी रहते हैं. मैं भी हैरान हूँ आपको कैसे मतलब. एंड यू वोंट ट्रस्ट कपिल शर्मा इमेज जी, वहाँ पे ना यूलिया देयर वाज 10,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. ओह एंड जैसे मैंने 2-3 लाइनें गाई लोग वापस जाने लगे. ऐसा नहीं भी सारे लोग चले गए, 6-7 लोग बैठे भी हुए थे वहाँ पे. तो मैंने उनके लिए गाना गाया एंड मुझे तो तब पता चला कि इनको पता चल गया मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ, जब उन्होंने मेरे पे टमाटर वगैरह मारे. एंड तो फिर वो भीड़ ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया. सिद्धू साहब जो नॉर्मल भीड़ करती है, बाल खींच के रगड़ना, घिसना, कपड़े पहनना, वो उनका रेगुलर जो होता है. डॉक्टर साहब आराम से बैठिए, पीछे गद्दी है ना. हाँ जी आराम से बैठ जाइए. अच्छा सॉरी, पीछे ऐसे आराम से बैठिए आप.
ऐसे कौन क्वेश्चनिंग करता है भाई? ऐसा मैं करता भाई. डॉक्टर साहब, संगीत का आपको कुछ पता है? आप इधर आके हिमेश से बात कर रहे हैं, यूलिया से बात कर रहे हैं, वो कितने टैलेंटेड लोग हैं, क्या पता आपको संगीत का? आई हैव रियलाइज्ड हिमेश जी, यूलिया, म्यूजिक में बहुत हीलिंग होती है, पावर होती है. तेरे फूफा जी यहाँ पे बीमार बैठे हुए जो रील कर रहे हैं. उन्होंने भी पैसे लिए, वो अपना काम नहीं करेंगे? तो टाइम आए तो काम करे ना, दूसरे के चुटकुलों में क्यों घुस रहे हैं? म्यूजिक हैज ग्रेट हीलिंग पावर. हीलिंग पावर की बात कर रहे हैं, मैंने ना एक पेशेंट आया व्हीलिंग चेयर के ऊपर. मैंने व्हीलिंग चेयर क्या होती है? अनपढ़ आदमी को सोनी साहब ने शो दे दिया है. व्हील चेयर होती है, व्हीलिंग चेयर कौन होती है? तो मैंने चीज एक्स्ट्रा ही लगाई है. हमने नहीं किया. तो फिर क्या हुआ? वो मेरे पास आए ऐसे. व्हीलिंग चेयर पे नहीं, व्हीलिंग चेयर पर्सन पे आए होंगे फिर. इसमें भी पर्सन लगा. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. कम टू मी. सोनी साहब, हॉस्पिटल तड़वा के यहाँ पे मंदिर बनाया जाए और मेरे हाथ में घंटी दी जाए जिसको मैं खड़का सकूं. लेट मी टॉक टू द जेंटल पीपल. हाँ प्लीज. दे आर द ब्यूटीफुल पीपल, ऑल द वे कम फ्रॉम रोमानिया. एंड अपना कहाँ घर जी? अपना मुंबई. मेरे को बैठने दो. राम से हम प्यार से रहेंगे डॉक्टर साहब, आज से एक ही कुर्सी पे दोनों, ठीक है? अब मैं आपको उठ के आप अपनी कुर्सी देता हूँ कि नहीं देता हूँ? आप भी थोड़े से. So let's talk. So you can come here if you want. No. 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 Come, come sit. Yeah. आपकी मैंने बाल्टी छुपा के आनी, आप हमेशा ही लेके आते हो, हमारा टाइम वेस्ट करते हो आप. बदतमीज, हमारे मेहमानों को परेशान करते हैं आके. Anyone home? अंदर है कि चले गए? कौन? मैंने किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा. इधर हिमेश जी बैठे हैं, उनसे भी मिल लो. उनके तो गाने सुन लेंगे ना कोई नहीं. Can we play that आंख मत जपको वगैरह? ओला! ये क्या हो रहा है? Julia, I have a problem. I offered you juice. Yes. He has nothing. He is a beggar come doctor. And he has a bucket. I mean, I have a shower. Then you should take more often shower. हाँ जी? तेरी और नहाया कर. उन्होंने कहा रोज नहाया करो. He is a very much married. No. Rumor क्यों फैला रहे हो? तो बेटी कहाँ से आई आपकी? डाका ने चली आपने? Cousin बेटी है. हाँ. नाम लॉस. What happened? Cousin daughter. Daughter. Okay. I'm doctor. She's go daughter. There. Go there. Go. Get out. कहाँ ना जूलिया ने? चलो. चलो जूलिया. चलो. एक बाकी. चलो. बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे थे आप. टमाटर बालों में फंसा गए. मैं कौन ही मारूँगा? पित्ते पे चोट लगेगी मुंह पे. फालतू में. I want to show you something. The healing power of music. You just see. Okay. I'm not a doctor, I'm an institution. मैं अभी एक राग गाऊंगा और बरसात होगी. पक्का? राग टपक टपक. वाह.
Mama. But it's so... ये क्या बरस गया परी तानसेन जी ने गाया था राग दीपक ये चले थे आपने कौन सा राग गाया कूड़ा गिर रहा है आपके ऊपर वो बरसात का राग था ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बाद में इसलिए पहुंच नहीं पाया म्यूजिक में इतनी पावर होती है ये देख रहे आप पेड़ पौधे ये मैंने राग गा गा के बड़े किए डॉक्टर साहब अभी आपने पहला राग छेड़ा ये कूड़ा आया वो नेटवर्क इश्यूज हो गए अब आप दूसरा राग गाएंगे ऊपर वाले ने गटर खोल दिया तो फिर उसमें स्विमिंग कर लेंगे हम दोनों आओ आ जाओ तो ओके अभी मैं संगीत की पावर आपसे डिस्कस कर लूंगा आई वॉन्ट टू प्रेजेंट ए राग वेयर दीपक जलेगा ओह यू आर वेरी कीन आप राग गाने लगे जमीन चाटने लगे आप चाट तो वैसे भी झाड़ू नहीं लगा आज अच्छा इनोवेशन तो इस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है ना जला जा जा लाइट चली गई हेलो मेरे को डर लगता है यार मेरे से हेलो प्लीज सॉरी गलती होगी मेरे से मैंने गलत लगा दिया आई एम सॉरी और जनरेटर चलाओ हेलो हेलो बता के स्विच ऑन किया करो आदमी जरूरी काम कर रहा होता है आपने क्या किया ये दिया आपका जला नहीं अंधेरा हो गया बेवकूफ इंसान मुझे तो लगता है 8 नवंबर के कोई राग गाया कोई जुगलबंदी की तभी नोटबंदी हुई है पर मेरे को कोई ऐसा राग गाना जिसे तुम्हारी जुबान बंदी हो 10 मिनट तुमने तो बोले जाना डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां अच्छा जी हैप्पी आउटस्टैंडिंग हैप्पी जी लवली मीटिंग यू ओह जेम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.